हाँ, ये बहुत बड़ा एक दुख का विषय था। वहाँ से हम आ रहे थे, 80 कार्यकर्ता थे खंदौली और एतमादपुर के बीच में। वहाँ का पुलिस प्रशासन ने हमारी गाड़ी को रोका कि आप नहीं जाएंगे। हमने कारण जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि साहब सड़क पर नमाज हो रही है और उस कारण से आपको यहीं रुकना पड़ेगा। हमने उनसे प्रश्न पूछा कि सड़क पर नमाज तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बंद कर दी है, इसका कोई औचित्य नहीं है, ये तो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस पर तो जाना ही है हमको। उन्होंने विरोध किया और विरोध के चलते एक तरह से धक्का मुक्की जैसी स्थिति भी हो गई। हमने वहाँ पर वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ भी किया कि हम जब तक नहीं जाएंगे, जब तक हमारा ये रास्ता साफ न हो और हमको सुरक्षित वहाँ न पहुँचाया जाए। हनुमान चालीसा सड़क जो है वो पब्लिक कन्वीनियंस के लिए है और कोई भी इसको रोके नहीं, इस पर रुकावट ना पैदा करे, ये इंश्योर कराना पुलिस का काम है। परंतु जो है सभी जगहों पर, महत्वपूर्ण जगहों पर पुलिस को इसलिए तैनात किया गया है, मोबाइल पार्टी हमारी करीब 150 से ज़्यादा है, ताकि किसी भी जगह इस प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और कोई लॉ एंड ऑर्डर के इशू न बने। अब तो हमें ये भी लग रहा है कि ये इस तरह की सड़क पर नमाज पढ़ने की परंपरा कैसे हो गई, जबकि ये दो दिन पहले सब समाप्त हो गया था वहाँ। लेकिन जब प्रशासन ने गंभीरता को समझा, वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी आए, वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी भी आए, प्रशासन के अधिकारी भी आए, उन्होंने वस्तु स्थिति को समझा और उन्होंने हमें अलीगढ़ की सीमा तक सुरक्षित वापस भेजा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये हमने पूछा था कि भाई ये धारा 144 लगी हुई है, उसके कारण से भी ये इस तरह का वातावरण खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, ये क्यों है? लेकिन उन्होंने कहा है कि परंपरागत पहले से होती रही है, इसलिए ये समस्या है, इसलिए आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। लेकिन हमने वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ खड़े खड़े और बैठे बैठे शुरू किया। हनुमान चालीसा कोई बात नहीं।